सर अगर प्राइस में ओपन है नीचे, ठीक है, और क्लोज है ऊपर, और कोई विक नहीं है इसके अंदर, इस कैंडल के अंदर कोई विक नहीं है, तो अगर कोई विक ना हो कैंडल में, तो ऐसे सिचुएशन में हम ये कह रहे हैं कि प्राइस जहां जिस पॉइंट ऑफ प्राइस पर ओपन हुआ, जहां पर भी प्राइस ओपन हुआ, वो वहीं से ऊपर जाना शुरू हो गया, वो नीचे नहीं आया। ओपन होने के बाद नीचे नहीं आया, ओपन होते सीधा ऊपर की तरफ भागने लगा और अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हो गया, अपने विक हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हो गया। तो ये जो डिफरेंस है, ये है क्या? बुलिशनेस, ठीक है ना। तो प्राइस जब खुलते ही ऊपर भागना शुरू हो जाए और अपने हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ओपन ही लो है, ओपन ही लो है, तो इसका मतलब ये है कि ओपन इज इक्वल्स टू लो। और क्योंकि प्राइस अपने हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि क्लोज इज इक्वल्स टू हाई, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में कैंडल कुछ इस तरीके की बनती है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। सर, जैसे इसमें बिक भी तो आई है, देखो सर, ऊपर गया फिर नीचे आया। नहीं, ये वाला, ये एक तरीके से जहां से ओपन हुआ है, मानो जहां से ओपन हुआ है सीधा वहीं से ऊपर होना शुरू हो गया, ठीक है ना। बात समझ रहे हो? प्राइस ये हल्का सा, इसको अज्यूम करो कि यहाँ पर ये ओपन हुआ है, ठीक है, और ठीक ये है यहाँ सर। पर ओपन होने के बाद प्राइस सीधा ऊपर जाना शुरू हो गया, ऊपर जाना शुरू हो गया, और जाते जाते ऊपर अपने हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोज हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्लोज बराबर हाई और ओपन बराबर लो होता है, ठीक है ना। जिसे हम बोलते हैं मार्केट में, ओपन लो लग गया आज तो, ठीक है ना। ओपन लो लगने का मतलब है कि मार्केट एकदम से ओपन हुई और सीधा ऊपर की तरफ भागना शुरू हो गया, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चलिए, तो इसका नाम बता देते हैं, इसका नाम क्या होता है। तो ये क्योंकि बुलिश कैंडल है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बुलिश मारुबोल, बुलिश मारुबोल, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, बुलिश मारुबोल, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। एक बार आप इसको लिख भी लेंगे, ठीक है ना, इसको आप नोट करते जाएंगे साथ के साथ, इसको नोट कर लो। एक मिनट रुकना। तो टाइप ऑफ कैंडल में ये जो कैंडल मैंने बनाई है, इसे हम क्या बोलते हैं, बुलिश मारू बोजू, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बेरिश मारू बोजू होती है, जब बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर गिरावट देखी जाती है। एक बार सभी लोग माइक को है ना म्यूट पर लगाएंगे, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। जब आप माइक को ऑन करते हैं तो आप बोलने के बाद इसको म्यूट पर लगा लें, ठीक है ना, ताकि जो है डिस्टरबेंस ना आए। चलिए, अब अगर माने ये कैंडल रेड है, रेड कलर की कैंडल बनती है हमारे पास में, कुछ इस तरीके की, कुछ इस तरीके की जिसमें विक नहीं हो, ठीक है, जिसके अंदर विक नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन बोलेंगे। रेड कैंडल में ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस खुलते ही नीचे की तरफ आया और नीचे के लोएस्ट पॉइंट पर बंद हो गया। तो ये क्या है, ओपन, और ये क्या है, क्लोज, ठीक है। तो प्राइस ऊपर ओपन हुआ और ओपन होते ही नीचे की तरफ गिरता चला गया और अपने लोएस्ट पॉइंट पर क्लोज हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे क्लोज, इसे बोलेंगे ओपन। यहाँ पर ओपन बराबर हाई, ओपन बराबर हाई, और यहाँ पर क्लोज बराबर
लो, मतलब क्लोज इज इक्वल टू लो एंड ओपन इज इक्वल टू हाई इन दिस केस. ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऐसे सिचुएशन में इसको बोलते हैं बियरिश मारू बोजू. क्या बोलते हैं? बियरिश मारू बोजू. ठीक है, नाम याद रहेंगे हा? वैसे नाम ये याद हो जाएंगे बाद में जब हम डिस्कशन किया करेंगे कि इस टाइप की कैंडल है, इस टाइप की कैंडल है, तो बाद में ये याद हो जाएंगे, इनका इम्पैक्ट भी हम समझेंगे. ठीक है, जब मार्केट खुलते ही, ओपन होते ही, मार्केट 9:15 बजे ओपन होती है, ओपन होते के साथ ऊपर भागना शुरू हो जाए, प्राइस नीचे ना आए, ओपन के बाद अगर नीचे आता है और फिर वापस ऊपर जाता है तो वहां पर विक बनती है. प्राइस ओपन के बाद नीचे आया ही, प्राइस ओपन होते ही ऊपर भागना शुरू हो गया, और अपने हाइएस्ट पॉइंट पर बंद हो गया, ऐसे सिचुएशन में जो कैंडल बनती है उसे हम बुलिश मारू बोलते हैं. अगर प्राइस खुलते ही नीचे आना शुरू हो जाए और कॉन्टिन्यूसली नीचे गिरता जाए और अपने लोएस्ट पॉइंट पर बंद हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में उसे हम क्या बोलते हैं? बियरिश मारू बोल. क्या बोलते हैं? बियरिश मारू बोल. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो कैंडल बनी है, ये क्या है? बियरिश मारू बोल. ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं आई बोलो. यस सर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो बुलिश मारू बोजू समझ में आया, बेरिश मारू बोजू समझ में आया. बुलिश सिंपल है, बेरिश भी बिल्कुल सिंपल है. मतलब ये है कि प्राइस खुला ऊपर चला गया, प्राइस खुला नीचे चला गया और लोएस्ट पॉइंट पर बंद हो गया, हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो गया. इन दैट केस देयर इज नो विक इन द कैंडल स्टिक. ओके, कैंडल में कोई भी विक नहीं होगी. बट इन सम अदर केस इफ देयर इज अ विक मोर देन द यूजुअल. ओके, अब मैं दूसरे पैटर्न्स की बात करूंगा. ठीक है, एक कैंडल होती है कुछ इस तरीके की. ठीक है, ये ड्राइंग किसने कर दी, हटा देता हूँ. ठीक है, या फिर अगर ये ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, ये कैंडल जो है ग्रीन का दूसरा कलर ले लूँ क्या, इसे लग रहा है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? आपने, आपको देखना है कि प्राइस जो है, अब मैं ग्रीन को बता रहा हूँ, रेड तो आप समझ ही लेंगे. ठीक है, प्राइस बना ऊपर इस तरीके से ओपन हुआ और नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया और कहीं ओपन के आसपास में क्लोज हो गया. मतलब ये कि ओपन और क्लोज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाई और लो में ज्यादा डिफरेंस. ठीक है, हाई और लो में ज्यादा डिफरेंस. तो अब आपको देखना है कि ये जो ओपन और हाई है, ये देखो आप, ओपन और हाई के बीच में जो डिफरेंस है, ये यही तो विक है. जो येलो वाला पार्ट मैं बना रहा हूँ ये विक वाला पार्ट है, और ये जो मैं ब्लू वाला पार्ट बना रहा हूँ ये कौन सा पार्ट है, ये बॉडी का पार्ट, बॉडी पार्ट. ठीक है, तो बॉडी इज वेरी थिक, सॉरी वेरी थिन. ठीक है, बड़ी छोटी सी बॉडी है और विक लंबी है, विक जो है लंबी है. तो इन दैट केस दिस टाइप ऑफ कैंडल इज कॉल्ड एज स्पिनिंग टॉप. क्या बोलते हैं इसको? स्पिनिंग टॉप. आपने सुना होगा ये वर्ड. लट्टू, ठीक है, स्पेलिंग यही होती है हिंदी में. ठीक है, तो इसका जो शेप होता है वो भी इस तरीके का ही होता है. स्पिनिंग टॉप लट्टू की तरह इसका शेप होता है. ये एक इनडिसाइसिव कैंडल होती है. ठीक है, ये कैसी कैंडल होती है, बाद में सभी को दोबारा से इलेबोरेट करूंगा जब इनका काम आएगा बीच बीच में कहीं पर. ठीक है ना, तो मैं उनको और इन डेप्थ इनको जो है इलेबोरेट करूंगा.
तो बात को समझो, स्पिनिंग टॉप कैंडल क्या है, जिसके अंदर एक बड़ी सी विक हो और छोटी सी बॉडी हो। ये बियरिश भी हो सकती है, ये बियरिश भी हो सकती है, ये बुलिश भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसकी बॉडी बहुत छोटी है, तो इसके ओपन और हाई ओपन सॉरी इसके ओपन और क्लोज के बीच का जो डिफरेंस है, वो चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रखता, ठीक है। प्राइस यहाँ बंद हो जाए या फिर यहाँ बंद हो जाए, ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि वो ओपन के पास में है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में इसे हम क्या बोलते हैं, इनडिसाइसिव कैंडल बोलते हैं। इसका कोई निर्णय नहीं होता, इसका कोई ऐसा कोई इम्पोर्टेंस इस तरीके का नहीं होता कि हम यहाँ पर बुलिश इसको कहें या बेरिश इसको कहें, क्योंकि प्राइस ओपन हुआ, प्राइस नीचे भी गया, प्राइस ऊपर भी गया, और कहीं ना कहीं ओपन के आसपास बंद हो गया, ठीक है ना। बुलिश तो हम प्राइस को तब बोलेंगे ना जब प्राइस ओपन हुआ और प्राइस ओपन होने के बाद में ओपन से दूर कहीं ऊपर जाकर बंद हो गया, तो इसे हम बुलिश बोलेंगे। प्राइस ओपन हुआ, खुला और नीचे जाकर कहीं दूर बंद हो गया, उसे हम बेरिश बोलेंगे। लेकिन जब प्राइस ओपन होने के बाद ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, और ऊपर या नीचे जाने के बाद, दोनों साइड जाने के बाद ओपन के आसपास क्लोज दे दे, तो ऐसे सिचुएशन में इनडिसीजन होता है। हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि प्राइस बुलिश है या बेरिश। तो इन दिस केस दिस टाइप ऑफ कैंडल इज कॉल्ड इनडिसाइसिव कैंडल, इट्स नेम इज स्पिनिंग टॉप, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आई, बोलो। Yes. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप। चलिए आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट लेते रहे ना साथ के साथ। ले लिया था, नहीं लिया सर? मैं तो लिख रहा हूँ ना। लिखते रहोगे तो और अच्छी बात है। संचित मतलब बना भी रहा हूँ ना सर। मिस्टर संचित आप ले रहे हो? हेलो, चलो अब मैं एक तरीके की कैंडल की बात कर रहा हूँ, बात को समझना। देखो सिंपल सा मैं ये बोल रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और इस तरीके से गिरना शुरू हो गया, ठीक है। प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर गया और इस तरीके से गिरना शुरू हो गया। आप किसके अंदर गिरावट ज्यादा मानेंगे, मतलब आप किसके अंदर बेयरिशनेस ज्यादा मानेंगे? बेयरिशनेस का मतलब समझते हो, ये भी माने 200 पॉइंट गिरा, ये भी 200 पॉइंट गिरा माइनस, ठीक है। ये यहाँ से 200 पॉइंट गिरा और ये यहाँ से 200 पॉइंट गिरा, ठीक है। संचित नकुल तो दे देगा जवाब। संचित, मिस्टर संचित यू टेल मी, आप किसके अंदर बेरिशनेस ज्यादा मानेंगे, इसके अंदर या इसके अंदर, फर्स्ट में या फिर सेकंड में? सर सेकंड वाले में। क्यों? क्योंकि सर एक साथ गिरी है सर वो। नहीं लेकिन एक साथ तो यहाँ पर गिरी है, ये तो पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर नीचे आया फिर ऊपर, फिर उधर लाइन पे रहा, कॉन्स्टेंट रहा, फिर नीचे आया फिर कॉन्स्टेंट रहा। मतलब क्या, देखो प्राइस में गिरावट, प्राइस ओपन हुआ और नीचे गिरना शुरू हो गया, दिस इज बेयरिशनेस। प्राइस पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, तो वो पहले वाले से ज्यादा बेयरिशनेस है। बताता हूँ क्यों, ठीक है, ये बताता हूँ क्यों। क्या आप डिमांड और सप्लाई के बारे में जानते हैं? हाँ सर। When you are demanding and when you are a supplier, when you are a you know, कब आप डिमांड कर रहे हैं और कब आप सप्लाई कर रहे हैं, एक बार बताएंगे तो बताएगा कि कब आप ये कहेंगे कि हम डिमांड कर रहे हैं और कब आप ये कहेंगे कि हम सप्लाई कर रहे हैं? तो जब हम बाय करना चाह रहे हैं तो हम डिमांड कर रहे हैं। ओके, सेल करना चाह रहे हैं तो हम सप्लाई कर रहे हैं। बाय मींस डिमांड और सेल मींस सप्लाई। क्या आपको नहीं लगता हर पॉइंट ऑफ प्राइस पर कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई दोनों होती हैं? सर दोनों कोई एक हो ही नहीं सकती सर। डिमांड होगी तो सप्लाई, अगर सप्लाई जो सप्लायर है वो सप्लाई करेगा तभी आप उसको बाय कर सकते हो। सप्लाई का महत्व तभी है जब डिमांड हो, और डिमांड का महत्व तभी है जब सप्लाई हो। आप तभी खरीद पाएंगे जब आपके सामने बेचने वाला हो,
और आप तभी बेच पाएंगे जब आपके पास खरीदने वाला हो। क्या मैं बात सही बोल रहा हूँ? एक सिंपल सी मार्केट है, एक वुड मार्केट है। वुड मार्केट में आप वुड को तभी बेच सकते हैं जब आपके पास खरीदने वाला है, और ऐसे ही आप अगर खरीदने गए हैं तो आप तभी खरीद सकते हैं जब आपके सामने बेचने वाला पर्सन अवेलेबल है। चल सर ठीक है, सर ठीक है, हम मान गए आपकी बात कि हाँ प्राइस में अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बेचने वाला जरूर होना चाहिए, बेचना चाहते हैं तो खरीदने वाला जरूर। लेकिन लेकिन किस प्राइस पर? सर मैं तो वुड खरीदना चाहता हूं, मैं तो वुड खरीदना चाहता हूं 200 के रेट पर, लेकिन बेचने वाला 250 के रेट पर बेचना चाहता है, तो क्या मैं डिमांड कर रहा हूं और क्या वो सप्लाई कर रहा है? इस बात का जवाब, इसका इस बात का कोई ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर एक मिनट में दो, इतने में पानी देकर आता हूं। नहीं सर। क्यों नहीं सर? क्योंकि दोनों के प्राइसेस डिफरेंट हैं और डिमांड और सप्लाई तभी हो पाएगी दोनों तरफ से जब ये इनका प्राइस मीट करेगा। लाइक अगर 225 पे उसकी डिमांड आ रही है और 225 पे ही वो सप्लाई करने को रेडी है, तो सर मतलब 225 इज अ हाइपोथेटिकल अमाउंट आई एम थिंकिंग, तभी से सप्लाई डिमांड हो पाएगी वरना नहीं हो सकती। समझो एक चीज को, देखो डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है मैं बताता हूं, समझना, और इसको म्यूट पर लगा दो, अपनी बात बोलने के बाद इसको माइक को म्यूट पर कर दिया करो, ठीक है ना? हाँ जी। तो जो बाय है, जो बाइंग है या डिमांड है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन अ पर्सन, व्हेन एन इंडिविजुअल बाय और वांट्स टू बाय अ पर्टिकुलर क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड डिमांड। ओके, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा को एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित समय अंतराल में खरीदता है या खरीदने के लिए तैयार होता है, उसे उस वस्तु की डिमांड। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ही सेम सप्लाई का, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की किसी निश्चित मात्रा को किसी निश्चित मूल्य पर बेचना चाहता है या बेचता है, उसे उस वस्तु की सप्लाई बोलते हैं, पूर्ति बोलते हैं। When a particular person, when an individual or a firm sell or wants to sell a particular quantity at a particular price in a particular period of time, it is called supply. It is called supply. Okay? उसे हम क्या बोलते हैं? Supply बोलते हैं। ठीक है? तो demand और supply समझ में आ गया? अगर demand और supply समझ में आपको आ गया है, तो जब डिमांड और सप्लाई, खरीदने वाला 200 पर खरीदना चाहता है, बेचने वाला 250 पर बेचना चाहता है, अगर दोनों की डील 225 पर हो जाए तो इसे एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड। आप 200 पर खरीदना चाहते हैं, ये 200 पर इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की डिमांड है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मतलब की वुड की 200 पर डिमांड है, ठीक है? 200 के रेट पर यह पर्टिकुलर क्वांटिटी उसकी डिमांड है, एग्जीक्यूट हो ना हो अभी नहीं कह सकते उसको, लेकिन हाँ डिमांड है। और 250 पर आप बेचना चाहते हैं, ये एक सप्लाई है, ये एक सप्लाई है। जब डिमांड और सप्लाई एक पर्टिकुलर रेट पर आपस में टकराती हैं, तो उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड। आप इस बात को समझो, क्योंकि इसको दोबारा एक महीने बाद रिपीट करूंगा जब ओपन इंटरेस्ट के बारे में समझाऊंगा एडवांस स्टडी के, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं है? ओपन इंटरेस्ट क्या होता है वो आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये डिमांड और सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो ठीक है? तो व्हेन द डिमांड एंड द सप्लाई, यू नो, व्हेन द डिमांड एंड द सप्लाई मीट्स विद ईच अदर एट अ पर्टिकुलर रेट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड। क्या बोलते हैं इसको? एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड, ठीक है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो आगे सर। चलिए, तो सर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो अगर एक मिनट, तो प्राइस में एक मिनट, ये सैमसंग ने जब से जो है अपडेट दिया है फोन में, ये अजीब सा कर दिया है पूरा फोन।
इसका ये वो अपडेट से, ये अपडेट इसलिए करते हैं ताकि नया ले सके, मतलब खराब करते हैं ना ये अपडेट में। अरे ये बताई थी बात एप्पल ने, तो उतना भी अच्छा इसलिए करता है। नोट पैड इतना अच्छा आता था इसमें, और अब ऐसा कर दिया इन्होंने, ब्लैक कलर का करते हैं, पहले व्हाइट कलर का तो चलो। बात करते हैं जो डिमांड और सप्लाई, ठीक है, डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई। देखो सर, मार्केट में इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, पर लग रहा है ना कुछ कुछ ऐसा कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन ये डिमांड और सप्लाई शेयर मार्केट के अंदर हर सेकंड काम आता है, ये ध्यान रखो, हर सेकंड। जिनको नहीं आता उनको पता ही नहीं, लेकिन जिनको आता है वो अगर यूज करें तो दे विल गेट दी अमेजिंग रिजल्ट्स इन स्टॉक मार्केट, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स वो यूज करते हैं। डिमांड और सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट एक बार यूज तो करो आप मार्केट में, देखो कितने अमेजिंग रिजल्ट निकलते हैं, ठीक है। तो हम प्राइस एक्शन के अंदर डिमांड और सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और जरूरी है पढ़ना, और एक जनरल नॉलेज के लिए भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई आपको पता होना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट, आप शेयर मार्केट सीखने आए हैं, जहाँ हर मिनट डिमांड और सप्लाई का मिलन होता है, ठीक है। और वही आपको अगर नहीं पता, उसका ही कॉन्सेप्ट अगर आपको सही से नहीं आता, तो इसका मतलब यह है कि देर इज सम लैक इन योर ट्रेडिंग, आपके नॉलेज में कहीं ना कहीं लैक रह जाता है, इसलिए क्योंकि हम बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक में हम एक एक पॉइंट सीखते हुए चलेंगे, जो मैं यूज करता हूँ मैं आपको बताऊंगा, आप उसको यूज करें ना करें वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ जो मैं यूज करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में वो सारी की सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक डिमांड कर रहा है, ठीक है, डिमांड कर्व किस तरीके से होता है, डिमांड कर्व इस तरीके से होता है और सप्लाई कर्व इस तरीके से होता है, ठीक है। येलो वाला पार्ट जो है वो चेंज, ये सप्लाई कर्व है, ओके, दिस इज डिमांड एंड दिस इज सप्लाई। बहुत दिनों बाद आज पढ़ा रहा हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट बेसिक्स में, क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी नहीं लग पाई, पहले तो ये रोज का काम था ये सब पढ़ाना ना माइक्रो इकोनॉमिक्स। खैर, अब लॉकडाउन में इंस्टीट्यूट मेरा क्लोज हो गया, मैं कुमार क्लासेस के नाम से इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ। चलिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बात करते हैं। आप देखो यहाँ से ये जो चेंज आया है, ठीक है, अब देखो प्राइस जब ऊपर की तरफ गया, यहां पर ये प्राइस होता है, यहां पर ये क्वांटिटी, ये पी वन, ये पी टू, ये क्यू, ये क्यू वन, ये क्यू, ठीक है। प्राइस जब पी वन से, जब प्राइस जो है ये जो पी वन है, ये जो सॉरी पी है, P से P1 पर गया तो क्वांटिटी जो है Q से Q1 पर आ गई, और प्राइस जब P से P2 पर गया क्वांटिटी Q से Q2 पर आ गई। इसका मतलब ये है कि जब प्राइस बढ़ा, when the price increase, मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि ये शेयर मार्केट की क्लास चल रही है, इकोनॉमिक्स की होती तो और डिटेल में बताता, क्वांटिटी में कमी आएगी, और जब प्राइस में डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी में इंक्रीज होगा, ठीक है। प्राइस जब बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगी, और जब प्राइस घटेगा क्वांटिटी बढ़ेगी। इसी का उल्टा सप्लाई में होता है, इसी का उल्टा सप्लाई में होता है, जब प्राइस बढ़ता है, जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी भी बढ़ती है, और जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी भी घटती है। जैसे आप देख सकते हैं प्राइस इधर, ये पी है, ये पी वन है, ये पी टू है, ये क्यू, ये क्यू वन, सॉरी ये Q2 है,
ये क्यू वन है, ठीक है। प्राइस पी से पी वन पर गया तो क्वांटिटी क्यू से क्यू वन हो गई, तो मतलब इंक्रीज हो गई दोनों तरफ। और जब प्राइस पी से पी टू पर गया और तो क्वांटिटी क्यू से क्यू टू पर गई हो गई, मतलब कि दोनों क्वांटिटी प्राइस के गिरने से क्वांटिटी भी गिर गई, ठीक है ना। तो प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी बढ़ गई और प्राइस के घटने से क्वांटिटी घट गई। तो ऐसे सिचुएशन में प्राइस जब बढ़ता है तो क्वांटिटी भी बढ़ती है, प्राइस जब घटता है, मैंने उल्टा कर दिया क्या, प्राइस जब बढ़ता है तो हाँ ठीक है, प्राइस जब बढ़ा बढ़ा तो क्वांटिटी बढ़ी, प्राइस जब घटा तो क्वांटिटी भी घट गई, ठीक है, डिक्रीज हो गई। ये बात समझ में आई होगी आपको, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई बताओ। ठीक है चलो, माइक म्यूट पर लगा दो अपना। अच्छा तो इसीलिए इसीलिए जब जब मार्केट में रेट्स बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो जाते हैं तो उनके अंदर सेलिंग आती है। नकुल ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ जी। अभी तुमको थोड़ा सा आएगा क्योंकि हम अभी आप बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो वहां से सेल जरूर आता है और जब नीचे आती है तो वहां से बाय जरूर आता है। वो इसलिए क्योंकि प्राइस में प्राइस जब बढ़ते हैं तो क्वांटिटी घटती है, प्राइस जब घटते हैं तो क्वांटिटी बढ़ती है डिमांड के केस में, ठीक है। और इसी का उल्टा जब सप्लाई होती है तो सप्लाई में जब प्राइस ऊपर जाते हैं और जब ऊपर जाते हैं तो उनके अंदर सेल ऑफ निकलता है, सेलिंग आती है, क्योंकि ज्यादा रेट पर हमको ज्यादा मुनाफा होगा। नीचे से खरीदा हुआ माल अगर ऊपर चला जाए तो उसमें मुनाफा होगा और जब आप उसको बेचते हैं तो उसे मुनाफा वसूली कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मुनाफा वसूली कहते हैं, ठीक है। तो जब मुनाफा वसूली होती है तो प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाता है, फिर उसको खरीदा जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर मुनाफा वसूली होती है, प्राइस नीचे आ जाता है। अभी बताऊंगा प्राइस ऊपर नीचे किस तरीके से आता है। क्या आपको डिमांड और सप्लाई दोनों समझ में आई या नहीं है? जी सर। ठीक है तो ये है डिमांड और ये है सप्लाई। और अब मैं आपको बताऊंगा एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड, ठीक है। व्हेन द प्राइस व्हेन अ पर्सन बाय और रेडी टू बाय a particular quantity at a particular price in a particular period of time, it is called demand. And when a person buy or is ready to buy, sell or ready to sell a particular quantity at a particular price in a particular period of time, it is called supply. And when supply meets demand at a particular price point of price, it is called as execution of trade. ठीक है? तो आगे बढ़ें, संचित, नकुल। जी सर। हाँ सर। ओके चलिए, मैं इसको एक स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लूं। बना लिए सर। अच्छा वैसे तो पेज भी आगे बढ़ जाता है, चलो क्या हम इसको वापस कर सकते हैं? चलो हो गया वापस। मैं इसको, ये तो फायदा है टेक्नोलॉजी का, देखो मिटाने के बाद जो बस आ गया। तो हम बात करेंगे अब एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड की। एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड क्या होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड सिंपल, आप मार्केट में जाते हो, आपने आप सिंपल एक लोकल मार्केट में गए, आपने किसी एक दुकानदार से पूछा कि भैया ये जीन्स कितने की? उन्होंने बोला कि सर ये 1200 रुपये की जीन्स है। अब आपने उसको 800 रुपये में खरीदने के लिए उसको बोला कि नहीं सर मैं तो 800 रुपये इसके दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा सॉरी, आपने कहा नहीं सर मैं 900 दे सकता हूँ, आप थोड़ा तो कम कीजिए। उन्होंने कहा 1100 रुपये दे दो, आपने कहा नहीं सर 1100 तो नहीं, मैं थोड़ा आप देखो 900 रुपये ले लो। उन्होंने कहा ना तुम्हारी ना मेरी, आप 1000 रुपये दो और नक्की। गेटिंग माय पॉइंट? आप 1000 रुपये दो और अब इस जींस को ले जाओ। तो आप भी मान गए, आपने बोला ठीक है मैं 1000 रुपये में लेने के लिए रेडी हूँ और उसने 1000 रुपये में आपको बेचने के लिए वो भी रेडी हो गया। सो इन दैट केस देयर इज एन एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बेचना खरीदना, दैट इज ट्रेड। ओके, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड का मतलब है कि बेच दिया, खरीद लिया, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड। तो एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड क्या होता है? सप्लाई का डिमांड से एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्राइस पे मिलान, ठीक है। व्हेन द सप्लाई मीट्स विद डिमांड
at a particular point of price, that is called execution of trade. That is called equilibrium point. Okay, equilibrium बाद में सीखेंगे. Execution का मतलब आप समझे कि नहीं समझे? ठीक है. तो supply और demand जब किसी एक particular price पर एक दूसरे से मिलती हैं, तो उसे हम execution of trade बोलते हैं. वहाँ demand खत्म हो जाती है, यहाँ supply खत्म. ठीक है, वहाँ demand खत्म हो जाती है और यहाँ पर supply खत्म हो जाती है. ठीक है, तो ऐसी situation में हम क्या बोलेंगे? ये है demand curve और ये है यह है सप्लाई कर्व. ओके, दिस इज सप्लाई एंड दिस इज डिमांड. ओके, दिस इज सप्लाई एंड दिस इज डिमांड एंड द पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूशन ऑफ प्राइस क्वांटिटी. आपने एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को खरीद लिया, इसे हम बोलेंगे execution of trade. क्या आपको ये बात समझ में आई? प्लीज बताइए. यस सर. संचित सर आगे समझ में. तो आपको डिमांड समझ में आया, सप्लाई समझ में आया, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड समझ में आया. जब बढ़ते हुए रेट्स पर भी लोग खरीदते जाएं, जब बढ़े हुए रेट्स को भी और खरीदने के लिए बेचने वालों से ज्यादा खरीदने वाले रेडी रहें, तो बेचने वाला और ऊपर शिफ्ट हो जाता है. मेरी बात समझ रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट है. अभी आप बेशक इसको बोले कि सर बहुत सिंपल है या इस तरीके से, या सर इसको इस चीज को समझने की कह रहे हो, तो हम तो स्टॉक मार्केट सीखने आए हैं. बाद में याद करो, ठीक है, बाद में इसी को याद करो कि ये बेस है बिल्कुल पूरी मार्केट का. पूरा पूरी मार्केट की जड़ जो है ना, वो डिमांड और सप्लाई है और इसके कॉन्सेप्ट. तो प्लीज इसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करें. तो मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल सा एक लॉजिक है कि जब बढ़े हुए प्राइस को भी एक्सेसिव डिमांड खरीदने की कोशिश करे, तो जो कम सप्लायर है वो और बड़े लेवल पर जाकर शिफ्ट हो जाता. मेरा कहने का मतलब यह है को बात की बात को समझना जरा कि किसी चीज के रेट बढ़ते कैसे. हम मार्केट में सीख रहे हैं सर रेट बढ़ गया, रेट गिर गया, रेट क्यों गिर गया, रेट क्यों बढ़ गया, ये न्यूज थी, वो था, फलाना डिमाका, बहुत सारी चीज. बट क्या हमने ये कोशिश की कभी ये जानने की कि प्राइस बढ़ता कैसे है और घटता कैसे है और क्यों बढ़ता है क्यों घटता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉलिंग एंड द राइजिंग इन द प्राइस? So let's discuss this. There is a house, okay? There is a house. घर है, ठीक है? ये घर है. इसका नाम है गुप्ता निवास, ठीक है? गुप्ता निवास. ये गुप्ता जी, ठीक है, ये गुप्ता जी. गुप्ता जी आराम से रह रहे हैं इस घर में, मजे से, कोई दिक्कत नहीं है, मजे से गुप्ता जी रह रहे हैं, ठीक है. गुप्ता जी आराम से अपना रह रहे थे, इनके घर के पास में सोसाइटीज बन गई, ठीक है, अलग अलग सोसाइटीज बन गई, ठीक है, बहुत सारे सारे फ्लैट्स बन गए. अब जो फ्लैट्स का जो बिल्डर है, जो वो इनकी जमीन को लेना चाहता है, ठीक है, क्योंकि इनकी जमीन इन एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे, वेरी नाइस लोकेशन, ठीक है, वेरी नाइस लोकेशन. और ये एक घर नहीं है, ऐसे 50 घर है. लेकिन जो बिल्डर्स हैं वो इन्हीं जगह पर ऐसे 100 फ्लैट बनाने चाहते हैं जिनकी स्टोरीज कम से कम 20 हो, ठीक है. तो यहाँ पर 2000 घर बनाना चाहते हैं जिन जगह पर इनके इनके बड़े बड़े
50 घर हैं, वो वहां पर 100 फ्लैट बनाना चाहते हैं 20-20 मंजिल के, ठीक है, तो 2000 घर वहां पर बनाना चाहते हैं अलग अलग, तो बहुत अच्छी लोकेशन है इनके घर की, लेकिन ये बेचना नहीं चाहते, ये तो आराम से रह रहे हैं, इन्हें तो वो लोकेशन बहुत अच्छी लगती है। ये तो नहीं 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 आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा, ठीक है ना, पुरानी फिल्मों में गुंडा जो है एक किसी घर को खाली कराने के लिए सुपारी फरौती देता है, ठीक है, वास्तव फिल्म में आप देखो जरा इसी तरीके का कुछ है, ठीक है, तो बड़ी अच्छी लोकेशन है इनकी, वो बेचना नहीं चाहते, वो कहते नहीं मैं हम क्यों बेचे, हमें हमें जरूरत ही नहीं पैसों की, हमारे पास पैसे अच्छे हैं, हम नहीं घर बेचना चाहते। बट स्टिल माय फ्रेंड्स, यहाँ पर वो जो बिल्डर्स हैं इनकी जो एक मकान की कीमत है वो माने 5 लाख रुपए, 5 लाख, बिल्डर ने आके ही इनको डायरेक्ट, पहले बिल्डर ने बोला कि मैं आपको 7 लाख रुपए दूंगा, दूसरा आया उन्होंने बोला मैं आपको 8 लाख रुपए दूंगा, तीसरा आया उसने बोला मैं तो आपको 10 लाख रुपए दूंगा, चौथा आया उसने बोला मैं आपको 12 लाख रुपए दूंगा, एक घर के 50 घर हैं, सब लोग बोल लिया बढ़ाते जा रहे हैं, तो जब वो 7 लाख रुपए देने के लिए आया था तो गुप्ता जी ने उसको 8 लाख रुपए बोल दिए, जब 8 लाख रुपए देने आया कोई दूसरा बिल्डर तो गुप्ता जी ने उसे 9 लाख रुपए बोल दिए, और जब कोई 9 लाख रुपए देने आया तो गुप्ता जी ने उसको 12 लाख रुपए बोल दिए, जब कोई 12 लाख रुपए देने आया तो गुप्ता जी ने उसको 17 लाख रुपए, ऐसे ही गुप्ता जी उस वैल्यू तक चले जाएंगे जहां पर ऐसा नहीं है इन 50 घर में किसी ने भी नहीं बेचा, किसी ने 7 लाख पे ही बेच दिया कि नहीं 5 लाख की वैल्यू है 7 लाख रुपए मिल रहे हैं बेच दो, किसी ने सोचा नहीं है पिछला वाला 7 दे रहा था ये वाला तो 9 दे रहा है चलो बेच देते, किसी ने सोचा नहीं पिछला वाला तो 9 दे रहा था ये 12 दे रहा है बेच देते, कुछ ना कुछ घर बिकते जा रहे, बोलियां बढ़ती जा रही। गुप्ता जी 12 लाख पे भी नहीं माने, गुप्ता जी 15 लाख पे भी नहीं माने, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई कि जहां पर बिल्डर कह रहा है चलो यार इसको छोड़ो ना ये यहीं पे रहता रहेगा हम बिल्डिंग बनाते, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, गुप्ता जी को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्राइस पर मानना ही पड़ेगा क्योंकि एक्सेसिव डिमांड है, बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं, ये ऐसी कोई लोकेशन इतने रुपए में कहीं और ढूंढ सकते हैं, तो ये क्या करेंगे माने 12 लाख रुपए में इस मकान को बेच दें, तो बढ़ते बढ़ते रेट कितने तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूशन ट्रेड 7 लाख रुपए पर नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड 9 लाख रुपए पर नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड 10 लाख रुपए पर नहीं हो 12 लाख रुपए पर नहीं, हर रेट पर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड हुआ, लेकिन सारे 50 मकानों का एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड एक रेट पर हुआ, अलग अलग रेट पर हुआ, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, तो उस बिल्डर को जिसने इसको अलग अलग रेट्स पर खरीदा है, उस बिल्डर को जिसने इन मकानों को अलग अलग रेट्स पर खरीदा है उसका अपना क्या एक एवरेज नहीं आएगा, क्या उसका अपना एक एवरेज नहीं आएगा, उसे बोलते हैं एवरेज प्राइस, उसे हम क्या बोलते हैं एवरेज प्राइस, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हर बार ये वाला कर्व बनता है, बार बार जब भी एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड हुआ इस टाइप के कर्व बनते चले गए, और इन सारे कर्व्स का एक कर्व बनेगा जिसे हम एवरेज कर्व बोलेंगे, ठीक है, जो एक एवरेज रेट होगा। सर एवरेज समझ में नहीं आया, Let me just tell you about the average. उस बिल्डर ने 10 मकान को खरीदा 7 लाख रुपए में, 10 मकान को खरीदा 8 लाख रुपए में, 10 मकान को खरीदा 9 लाख रुपए में, 10 मकान को खरीदा 10 लाख रुपए में, 10 मकानों को खरीदा इसने 12 लाख रुपए में, ठीक है, तो इसके पास सारे 50 मकान अंदर आ गए, ठीक है, 7 लाख प्लस 8 लाख प्लस 9 लाख प्लस 10 लाख प्लस 12 लाख, ठीक है, कितना होता है 12, 10, 22 और 9, 31, 22 और 9, 31 और 8, 39 और 7, 46, ठीक है, 46/5 45, 5, 10, 9.2 लाख। ऐसा नहीं कि उसने 12 लाख पर क्वांटिटी 12 लाख पर फ्लैट नहीं खरीदा, या ऐसा भी नहीं कि उसने 7 लाख पर फ्लैट नहीं खरीदा, उसने हर रेट पर फ्लैट खरीदा है, लेकिन उसका जो एवरेज आया वो कितना है 9.2 लाख। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या आपको ये बात समझ में आई है या नहीं है, प्लीज आप मुझे बताइए। तो ऐसी सिचुएशन में
ऐसी सिचुएशन में उसने उसको जो फ्लैट है ऐसी सिचुएशन में उसको जो फ्लैट है वो उसको उसकी मार्केट प्राइस है 9.2 लाख माइनस 5 लाख, उसकी एक्चुअल वैल्यू तो 5 लाख थी, तो 4.2 लाख ही तो उसको फालतू देने पड़ा, लेकिन उसके पास सारे 50 फ्लैट डिजायर्ड अमाउंट पर आ गए, ठीक है ना, डिजायर्ड अमाउंट पर आ गए, और लोगों ने बड़े हंसकर उसको अपने फ्लैट दे दिए, प्लॉट दे दिए, क्यों दे दिए, क्योंकि तो उनको उनका रेट मिल रहा था, उनको उनका बढ़ा हुआ रेट मिल रहा था। आई होप यू आर गेटिंग, सभी को मार्केट प्राइस से ज्यादा रेट मिले हैं, बट स्टिल हमको सिर्फ 4.2 लाख पर फ्लैट फालतू देना पड़ा, और हमारे पास पूरे 50 जो रूम, पूरे 50 जो प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे हम अक्यूमुलेट हमने कर लिए, हमने बाय कर लिए। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं, बोलो। क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी को? पूरी तरह समझ में नहीं आया, दोबारा समझो, दोबारा समझो, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया था? आप समझो कि देखो 50 प्लॉट थे, 50 घरों को बेचने के लिए उस बिल्डर ने जाकर अलग अलग रेट्स उनको बोले, ऑफर की, किसी को 7 लाख ऑफर किया, किसी को 8 लाख ऑफर किया, जो 7 लाख पर नहीं माना उसे 8 लाख ऑफर किया, जो 8 लाख पर नहीं माना उसे 10 लाख ऑफर किया, जो 10 पे नहीं माना उसे 11, जो 11 पे नहीं माना उसे 12, और तब तक बोले बढ़ाता रहा जब तक सारे के सारे प्लॉट उसने खरीद नहीं। ये जो आज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, नकुल जानता है इस बात को कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, जब मैं FII और DII की स्टडी बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है मार्केट पर इस चीज का, और एनालिसिस हमको करना पड़ता है। ये तभी एक सिंपल प्लॉट और फ्लैट की बातें चल रही हैं, जब हम FII के डेटा की बात करेंगे तो हम करोड़ों की क्वांटिटी की बात करेंगे, 1,000, 2,000 करोड़ की बात करेंगे, कि FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना माल कितना उठा रहा है, उनका एवरेज क्या निकल के आ रहा है, ठीक है ना, मार्केट पर कहाँ तक गिर सकती है, कहाँ तक उठ सकती है, वो सारी चीजें हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसको मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में जब वो खरीदना, जब वो बेचना नहीं चाह रहे, 50 लोग बेचना नहीं चाहते, बट स्टिल 5 लाख से ज्यादा वैल्यू की रेट दे रहा है वो, 5 लाख बोला 50 लोगों के पास में, 10 लोग मान गए, लाओ आ जाओ, लो 5 लाख पकड़ो, रजिस्ट्री करवाओ। फिर अगले दिन आया, बोला कि 10 लाख दूंगा, 9 लाख, 8 लाख दूंगा, फिर 10 लोग मान गए, 30 लोग नहीं माने, उनको पैसा कर पकड़ाया, साइन करा लिए। फिर अगले दिन गया और बोला 10 लाख दूंगा, ऐसे करते करते वो एंड तक इतनी बोली बढ़ा दी के सारे सेलर्स बायर में बदल गए। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? सारे के सारे सेलर्स को ने अपना माल बेच दिया, और ऐसी सिचुएशन में किसी का 7 पे भी बिका, किसी का 12 पर भी बिका, लेकिन खरीदने वाले को 12 रेट, ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि 50 फ्लैट 12 लाख में है, नहीं, हम ये भी नहीं बोलेंगे 50 फ्लैट 7 लाख में, नहीं, हम बोलेंगे कि 50 फ्लैट 9.2 लाख पर प्लॉट आए, ठीक है ना, मैं फ्लैट प्लॉट में थोड़ा डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, फ्लैट मतलब प्लॉट जो 50 आए हैं, ठीक है ना, उसको आप ध्यान से समझना। तो उसने 10 जो प्लॉट है वो 7 लाख में खरीदे, 10 प्लॉट 8 लाख में खरीदे, 10 प्लॉट 9 लाख में, 10 लाख में, 10-12 लाख, तो सबको अगर हम ऐड कर दें और डिवाइड कर दें 5 से, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, 9.2 लाख। इसका मतलब यह है कि जो बिल्डर है उसको एक प्लॉट की कीमत 9.2 लाख पड़ी है। जरूरी है नहीं है कि उसने किसी को 12 में दिया, तो किसी को 7 में भी तो दिया है ना, तो एवरेज क्या है, 9.2 लाख पर प्लॉट का एवरेज आया, और मार्केट प्राइस क्या था, 5 लाख। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, 4.2 लाख। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है संचित, अब बात समझ में आई है नहीं है, बोलो। आया सर, आया समझ में। चलो, हाँ जी, तो इसे हम बोलते हैं अक्यूमुलेशन, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्राइस का बढ़ना। जब बायर सेलर से ज्यादा होता है और हर रेट पर खरीदता चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली सेलर और ऊपर शिफ्ट होता जाता है, जब तक सारी क्वांटिटी सेल नहीं हो जाती,
क्वांटिटी में प्राइस बढ़ता चला जाता है, इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट प्राइस। ऐसे ही सप्लाई का केस है, इसी को अगर उल्टा कर दो, खरीदने वाले कम है बेचने वाले ज्यादा है, वो हर गिरे हुए रेट पर बेचना चाहेंगे, हर गिरे हुए रेट पर बेचना चाहेंगे, ऐसे सिचुएशन में प्राइस में फॉल आता है। ठीक है, तो प्राइस में फॉल या प्राइस में अपसाइड जो आती है उसे अपसाइड को हम बोलते हैं, जब प्राइस बढ़ता है तो उसे हम बुलिश बोलते हैं और जब गिरता है तो हम उसे बियरिश बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि ट्रेंड की। ठीक है, अभी हम बात करें अप ट्रेंड की। ठीक है, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, सोचो ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड एक बहाव है। ट्रेंड क्या बोलते हैं, ट्रेंड इज अ फ्लो, ट्रेंड इज अ फ्लो। अप ट्रेंड का मतलब है प्राइस का ऊपर की तरफ फ्लो। ठीक है, प्राइस में, प्राइस अप ट्रेंड में है, इसका मतलब क्या है, प्राइस में जो फ्लो है वो ऊपर की साइड है। प्राइस डाउन ट्रेंड में है, इसका मतलब यह है कि प्राइस डाउन साइड फ्लो में है, डाउन की तरफ फ्लो में है। ठीक है ना, बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो प्राइस जो है डाउन साइड फ्लो कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द अप ट्रेंड। व्हाट इज अप ट्रेंड, इन द ग्रीन वी विल बी शोइंग दिस एज अ ग्रीन। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, चलो मैं अभी इसको मिटो देता हूं। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि संचित ये क्या है, आप बोलोगे सर ये लो है, मैं बोलूंगा संचित ये क्या है, आप बोलोगे सर ये हाई है। ठीक है, आप ही बोलोगे क्या, ये हाई। ठीक है, आप ही बोलोगे ये लो है। ठीक है, अच्छा बिल्कुल, ये हाई है और ये लो है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि प्राइस कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से गया है ऊपर। ठीक है, या मैं इसको सिंपल बना देता हूँ, थोड़ा हार्ड चार्ट बना दिया। ठीक है, प्राइस कुछ इस तरीके से गया, तो ऐसे सिचुएशन में पहला लो क्या है, मैं पहले L1 लिख रहा हूं, और पहला हाई क्या है, ये H1 लिख रहा हूं, ये हाई। ठीक है, H1, फिर ये L1, L2, फिर ये H2, फिर ये H3 और ये L3। ठीक है, ये बात समझ में आई है नहीं आई? तो आप कि सर ये तो लो है, ठीक है ये लो है, ये हाई है, फिर ये हाई है, ये लो है, फिर ये हाई है, ये लो है। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से समझो, अगर मैं ये बोलूं कि ये लो है तो ये हाई है, लेकिन ये क्या, ये हाई क्या, ये हाई इस वाले, क्या ये हाई इस वाले हाई से ऊपर नहीं है? यस है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको बोलेंगे लो, इसको बोलेंगे हाई, इसको बोलेंगे हायर हाई। क्या बोलेंगे इसको, हायर हाई, और इसको बोलेंगे लोअर लो, फिर इसको हायर हाई।
सॉरी लोअर लो नहीं हायर लो, तो बोलेंगे हायर लो, और उसको बोलेंगे हायर लो। सर ये हायर लो क्यों बोला? ये लो है, ये हाई है, अगला जो हाई है वो पिछले हाई से ऊपर है ना, अगला जो हाई है वो पिछले हाई से ऊपर है ना, इसीलिए जब अगला हाई पिछले हाई से ऊपर होता है उसे हम हायर हाई बोलते हैं। क्या अगला लो पिछले लो से ऊपर है ना, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे हायर लो। ठीक है, हायर लो। ठीक है, क्या ये वाला लो ये वाले लो से ऊपर है? यस है, इसीलिए हायर लो। क्या ये वाला लो इस वाले लो से ऊपर है? हाँ, इसलिए बोलेंगे हायर लो। क्या ये वाला लो इस वाले लो से ऊपर है? यस, इसीलिए बोलेंगे हायर लो। तो जब प्राइस के अंदर हायर हाइज और हायर लोज बने, जब प्राइस के अंदर हायर हाइज और हायर लोज बने, तो ऐसी सिचुएशन में उस प्राइस को हम बोलते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में है। क्या बोलते हैं हम इसको? तब हम ऐसे सिचुएशन में प्राइस को बोलते हैं प्राइस इज इन अप ट्रेंड। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बोलो। संचित समझ में आ गई भाई? आया था समझ में, आया थोड़ा आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, अभी शुरुआत है मार्केट की। अब डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। चलो, तो डाउन ट्रेंड में होता क्या है कि प्राइस जो है, प्राइस जो है ऊपर से, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। क्या ठीक है, तो ये क्या है? हाई, और ये क्या है? लो। लेकिन ये वाला लो इस वाले लो से, दूसरा लो पहले लो से क्या नीचे है? यस है, इसलिए हम इसे बोलेंगे लोअर लो। क्या बोलेंगे? लोअर लो। क्या ये वाला ये हाई है? क्या ये वाला हाई, क्या ये वाला हाई पिछले हाई से, इस वाले को मानते हैं ठीक है, क्या ये वाला हाई पिछले वाले हाई से नीचे है? यस है, इसलिए हम बोलेंगे इसको लोअर हाई। क्या बोलेंगे इसे? लोअर हाई। ऐसी है फिर लोअर लो। फिर प्राइस अगर ऊपर चला जाता है तो उसे हम बोलेंगे हायर लो, लोअर हाई। ठीक है, तो प्राइस जब लोअर लो मतलब कि नीचे आने वाले लोज बताए और ऊपर जाने वाले हाइज भी निचले स्तर पर हों, तो उसे हम बोलते हैं क्या? हायर हाइज हायर लोज। ऐसे सिचुएशन में प्राइस को हम बोलते हैं क्या? कि प्राइस इज इन डाउन ट्रेंड, प्राइस इज इन डाउन ट्रेंड। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? जब प्राइस अपने ऊपर के लेवल्स को तोड़ता हुआ नीचे की तरफ आता रहे, गिरता रहे कॉन्टिन्यूसली, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइस इज इन अप डाउन ट्रेंड। ठीक है, और जब प्राइस जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और क्या बनाएगा? नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो हाई बनेगा, फिर नीचे जाएगा लो बनेगा, फिर ऊपर जाएगा तो पिछले वाले हाई से अगर दोबारा एक और नया हाई बनाए तो हम हायर हाई बोलते हैं, और पिछले वाले लो से ऊपर अगर कोई लो बना है तो हम हायर लो बोलते हैं। इन द सेम केसेस इन द सेल क्वांटिटी, अगर पहला दूसरा सेल मतलब कि जो अगला लो है वो पिछले वाले लो से नीचे है तो उसे हम लोअर लो बोलते हैं, और अगर एक हाई जो है वो पिछले वाले हाई से नीचे वाले लेवल पर है तो उसे हम उसे बोलते हैं हायर लो। जब प्राइस के अंदर हायर लो और लोअर लोज बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डाउन ट्रेंड। और जब हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं उसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है,
तो क्या आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की कहानी समझ में आई या नहीं आई, प्लीज आप मुझे बताइए। आ गया समझ में? चलिए अब डेली ऐसी क्लास होगी, ठीक है ना?